हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है यूपीएससी की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी की तरफ से काफी अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसी आई है, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की। दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये 6 वैकेंसी आई हैं। यहाँ पे 30 साल तक के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी रहेगी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कोई भी कैंडिडेट जिसने बीटेक कर रखी है ऑयल टेक्नोलॉजी में या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है ऑयल टेक्नोलॉजी में, तो वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है शुगर टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो वो सभी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। इन सभी पोस्ट पे दोस्तों जो है 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है। अगली कैटेगरी में यहाँ पे 6 वैकेंसियां हैं स्पेशल ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन में, और ये वैकेंसियां आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। यहाँ 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 11 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी रहेगी, और यहाँ जो मैक्सिमम एज दी गई है वो 40 दी गई है। यहाँ वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने MBBS कर रखा है वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है और स्पेशलाइज्ड है इसी कंसर्न फील्ड से, तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे मांगा हुआ है। अगली कैटेगरी में यहाँ पे 5 वैकेंसियां हैं स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की पब्लिक हेल्थ में। ये वैकेंसियां भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से निकाली गई हैं। यहाँ पे भी आपकी सैलरी 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 11 के अकॉर्डिंग दी जाएगी, और उसके अलावा यहाँ जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 40 रखी गई है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें कोई भी कैंडिडेट जिसने MBBS कर रखी है या फिर अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है स्पेशलाइज फील्ड में, तो वो सभी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए यहाँ एलिजिबल हैं। इन 5ों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे भी कैंडिडेट से जो है 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली कैटेगरी में 12 वैकेंसियां हैं स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें जो है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन की अंडर यहाँ पे जो है ये पोस्ट निकाली गई है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ही, और बाकी का क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर की जितने भी पोस्ट अभी तक हमने डिस्कस की है वो इसमें एज इट इज यहाँ पे सेम रहेगा। अगली कैटेगरी में यहाँ पे 7 वैकेंसी आई हैं स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ये वैकेंसियां भी पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई हैं, और बाकी सारा क्राइटेरिया भी इसमें सेम रहेगा जैसा कि बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों में है कि कैंडिडेट की उम्र 40 से ज्यादा ना हो। 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग 11वें पे लेवल पे आपकी सैलरी रहेगी। कैंडिडेट जो है MBBS हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो अपनी कंसर्न फील्ड में, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। और उसके अलावा 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस अपनी फील्ड का यहाँ पे भी मांगा हुआ है। आगे है इसमें 7 वैकेंसियां पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से। ये वैकेंसियां भी स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई हैं, और बाकी का क्राइटेरिया इन सभी पोस्ट के लिए भी यहाँ पे सेम रहेगा। अगली कैटेगरी में यहाँ पे 6 वैकेंसियां पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। ये वैकेंसियां भी स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं, और बाकी सभी क्राइटेरिया इन पोस्ट के लिए भी सेम ही रहेगा। अगली कैटेगरी में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की तरफ से 80 वैकेंसियां यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, और इन 80 वैकेंसियों में 5 वैकेंसी जो है वो SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए 9, OBC के लिए 18, EWS कैटेगरी के लिए 19 और जनरल कैटेगरी के लिए 29, और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में यहाँ पे 4 वैकेंसियां रिजर्व रखी गई हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो सैलरी रहेगी वो 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 8 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है वो 30 साल तक के सभी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
इन सभी पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है वो बैचलर डिग्री लॉ की हो कैंडिडेट के पास, और कैंडिडेट के पास 3 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो तो ही आप इन सभी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। अगली कैटेगरी में दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट दिल्ली की तरफ से डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की 116 वैकेंसियां यहाँ पे आई हैं, जिसमें कि एससी की 20, एसटी की 9, ओबीसी की 22, ईडब्ल्यूएस की 13, जनरल कैटेगरी के लिए 52 और पीएच कैटेगरी के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसियां रिजर्व रखी गई हैं। और इन सभी पोस्ट के लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। यहाँ कोई भी कैंडिडेट जिसने एमसीए कर रखी हो या फिर कोई भी मास्टर डिग्री हो उसकी कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर कैंडिडेट ने बीई बीटेक कर रखी है आईटी या कंप्यूटर साइंस में, तो वो सभी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 24 जनवरी 2021 से शुरू हो चुके हैं और आप 11 फरवरी 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जो अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल के लिए और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे फीस जो देनी होगी वो ₹25 है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और साथ ही इसमें वुमेन कैंडिडेट्स को जो है वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो सबको यहाँ से फीस से एग्जम्प्ट किया गया है, यानी कि उनको कोई फीस यहाँ पे नहीं भरनी होगी। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डाली हुई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सभी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे इंटरव्यू के टाइम पे जो कि आपको सबमिट करने होंगे, तो वो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।